हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खरबूजे का पना विद चॉकलेटी ट्विस्ट। समर सीजन चल रहा है और उसमें अगर ठंडे और मीठे फ्रूट्स मिल जाते हैं तो मज़ा आ जाता है, और वो भी चॉकलेट के साथ, तो फिर क्या कहना। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खरबूजे का पना। तो पना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है खरबूजा, मस्कमेलन, एक टेबलस्पून शुगर, चॉकलेट सिरप और दो छोटी इलायची। तो अब हम खरबूजे को कट कर लेते हैं। तो हमने खरबूजे यहाँ पर कट कर लिए हैं, इनके स्किन को अलग कर दिया है इससे। अब हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, इस तरीके से बीच में कट लगा के, और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। तो लीजिए, इस तरीके से हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे और भी बारीक कट कर सकते हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, और जब कभी भी मस्कमेलन अगर थोड़ा फीका होता है तो शुगर उसको बैलेंस कर देती है, इससे इसमें मिठास बढ़ जाती है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। इलायची टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वापस से मिक्स कर दें इसे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और जो शुगर हमने इसमें डाली है वो मेल्ट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद हमने इस पने को बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। इसकी शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं, ये पानी बन चुका है इसका। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही सिंपल और इजी चॉकलेटी सिरप बना बनकर रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इस गर्मी में, और एंजॉय करें इस डिश को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।